Hello guys, very good afternoon. Good afternoon everyone. ओके गाइस, सो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फटाफट से बता दीजिए, सभी लाइव आ चुके हैं और जो लाइव आ चुके हैं एक बार गाइस फटाफट से सेशन को शेयर कर दें ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, हमारे साथ जुड़ सके। ओके, थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू फॉर योर काइंड रिप्लाई। ओके सो गुड आफ्टरनून गाइस, रंजना गुड आफ्टरनून, मिश्रा, शिवम जी वेरी गुड आफ्टरनून, शिवांशी, समृति, मुकेश, प्रिया, सीमा, निलेश, बसवराज रेड्डी, नेहा, ओके सभी को राउडी, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। ओके बिल्कुल भाई, प्रिया जी कह रही हैं कि मैम भी थक जाती है क्लासेस लेते लेते, तो आ रही होगी। बिल्कुल हम आ चुके हैं और बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल हमेशा रेडी रहती हूँ गाइस कि आपको मैथ्स टू मैथ्स में सिखा सकूं। ठीक है, तो चलिए आज फर्स्ट लेक्चर हमारा और इस सीरीज का जो हमारा है, सीरीज चल रहा है। ओके ओके, हाँ जी बिल्कुल, चलिए तो बिल्कुल गाइस जो हमारा प्रहार 1.0 सीरीज चल रहा है उसका वही फर्स्ट लेक्चर आज हमारा स्टार्ट होने वाला है। और एज आई टोल्ड यू, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हिट करने वाले जहां से आपके विजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक्चुअली आपके लिए चल रही हूँ यूनिट वाइज, ठीक है, मैं यूनिट वाइज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवरअप करूंगी। जैसे सबसे पहले हम लोग जो है बैंकिंग के जितने टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो वाले टॉपिक्स मैं आज के सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, साथ ही साथ माय नेम इज पूजा वर्मा, जो भी फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को वॉच कर रहा है अनअकैडमी पे, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी डेली क्लास होती है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी, फ्री क्लास होता है जो कि सुबह होता है आप लोगों के लिए 8:30 बजे, 8:30 AM पे आप लोगों की क्लास होती है डेली इन द मॉर्निंग। ओके सो 8:30 बजे आप लोगों के लिए मैं क्लास लेके आती हूँ अकेडमी की लर्निंग ऐप पे। मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे फॉलो कर लेना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको दिक्कत ना हो इसके लिए, मैंने जो मेरी फ्री क्लास का लिंक है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन करवा दिया है, इस लिंक पे जाके आप जो है क्लास को नोटिफाई भी कर लेना ताकि जैसे मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। डेली फ्री लाइव क्लास होती है, पेपर वन पेपर टू दोनों की होती है। पेपर वन की फ्री लाइव क्लास जो होती है अकेडमी की लर्निंग ऐप पे वो सुबह 8:30 बजे होती है, और पेपर टू की क्लास होती है इवनिंग में, सॉरी पेपर टू की क्लास मॉर्निंग में होती है, पेपर वन की क्लास आपकी इवनिंग में होती है 7 PM पे। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारी कॉमर्स की डेली क्लास होती है 1 PM पे, डेली होती है मंडे टू फ्राइडे। ओके तो चलिए ओके शिवानी, वेलकम टू द क्लास शिवानी। चलिए तो यहाँ पे गाइस अगर आप मेरे प्लस बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल है। कॉमर्स में अगर आप नेट जेआरएफ वन शॉट क्लियर करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर अदर जो आपके रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं आपके पेपर टू से रिलेटेड, जैसे कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, आपके जूनियर अकाउंटेंट की काफी सारी वैकेंसीज अभी आई हुई है उसका एग्जाम हो गया, इसके अलावा नेट का एग्जाम हो, चाहे जेआरएफ अगर आप क्लियर करना चाहते हो, चाहे आप सेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर आप पीजी के लिए भी अगर प्रिपेयर करना चाहते हो, तो भी ये कॉमर्स के लेक्चर्स जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, दीज आर वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू। और अभी जो है अनअकैडमी प्लस भी मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च से, ठीक है, तो चाहे आप मई अटेम्प्ट लेना चाहते हो, चाहे दिसंबर या कोई मिडल अगर अटेम्प्ट भी आ जाता है, तो उन सब में आप लोगों को मेरे कोर्स हेल्प करेंगे। ठीक है, मई हो चाहे आपका अटेम्प्ट मई हो चाहे आपका अटेम्प्ट दिसंबर, कोई भी अटेम्प्ट हो, अगर आप अभी से क्लासेस लेना ज्वाइन करेंगे इट विल मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अभी हमारे पास जो है 40 डेज जो है लेफ्ट रह गए हैं, और इन 40 दिनों के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों के लिए काफी सारे क्रैश कोर्सेज हैं, बैच कोर्सेज हैं, बैच कोर्सेज हैं, ये सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, पूजा 10 आप कोड लगा के
योर विश कि अगर आप मेरा रेफर कोड कंसिडर करना चाहें तो ये रेफर कोड अप्लाई करके आप जो है 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट ले सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे। कोई भी अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो आप मेरा रेफर कोड लगा सकते हैं जो कि Pooja10, और प्रोफाइल का लिंक जो है आपको मिल जाएगा वो भी आप फॉलो कर ले। इसके अलावा जो मेरी स्पेशल क्लास है पेपर टू कॉमर्स की उसका लिंक भी मिल जाएगा। फ्री क्लास होती है, उसको अनलॉक करने के लिए भी आपको सेम कोड जो है अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके लिए दो सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है आप लोगों के पास, प्लस और आइकॉनिक। जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आप अवेल करना चाहते हैं कर सकते हैं, कंपैरिजन आप देख सकते हैं विच प्लान इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर जैसे के पास है, कोच मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह आपको अवेलेबल हो जाता है। मतलब मेरी माने सबसे बेस्ट एवर प्लान जो है अकेडमी का आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। साथ ही साथ अगर ऑल्टरनेट संडे अकेडमी आप लोगों के लिए लेके आता है कॉम्बैक, जहाँ पे पेपर वन के ओरिजिनल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, साथ ही साथ आपको जो है स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी मिलता है। तो फटाफट से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, और अपना गोल आप सेलेक्ट कर ली NTUGC NET। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जाइएगा गेट सब्सक्रिप्शन पे, और जो भी पैक आप लेना चाहते हो आप चूज कर सकते हैं। प्लस अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लस ले लें। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूएबल पैक आपके लिए 12 और 24 महीने का रहने वाला है, आप कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो ये प्राइजेस दिख रही है ये भी आपको नहीं पे करना पड़ेगा इफ यू अप्लाई माई रेफरल कोड Pooja10। अगर आप कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इस गिफ्ट बॉक्स के पास ये कोड अप्लाई करने से। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों के लिए वैल्यूएबल पैक्स अवेलेबल कराए गए हैं। Pooja10 कोड अप्लाई करने से आपको यहाँ पे भी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, एंड जो है आप डेबिट और क्रेडिट किसी भी कार्ड के थ्रू जो है आप ये ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। मनी मार्केट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी मार्केट। मनी मार्केट ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। अब मनी मार्केट को स्टार्ट करने से पहले मनी मार्केट तक हम पहुंचेंगे कैसे, ठीक है, थोड़ा सा एक बेस आप लोगों के लिए मैं बिल्डअप कर रही हूँ। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी कंट्री में होता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, क्या होता है आपका फाइनेंशियल सिस्टम होता है। अब फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम को काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आपके आता है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या आता है फाइनेंशियल मार्केट आता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आते हैं, आपके यहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, आपके क्या आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, साथ ही साथ आपके यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स आती है। ठीक है, ये सब किसके पार्ट होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये सब कुछ किसमें आता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, डायरेक्ट मनी मार्केट में मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है आपको थोड़ा सा एटलीस्ट आइडिया पता होना चाहिए कि मनी मार्केट तक हम पहुंचे कैसे। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम देखिए, किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है एक सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, हम जो भी करते हैं वो एक सिस्टम के तहत करते हैं, एक सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं वर्क करते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम हमारी इकोनॉमी में बना हुआ है, और फाइनेंशियल सिस्टम में आपके फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, काफी सारे पार्ट्स होते हैं इसके, उसमें से एक पार्ट होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। और फाइनेंशियल मार्केट आपके दो प्रकार का या दो टाइप्स का होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है आपके, पहला होता है आपके मनी मार्केट। ठीक है, पहले आपके कौन आता है मनी मार्केट आता है। उसके बाद जो सेकंड फाइनेंशियल मार्केट है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा कैपिटल मार्केट। वो कौन सा होता है हमारा, कैपिटल मार्केट होता है। बात क्लियर हुई ना, फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिर फाइनेंशियल सिस्टम का सब पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले आपका होता है मनी मार्केट,
और सेकंड जो आपका टाइप है वो आपके है कैपिटल मार्केट। क्लियर है? अब मनी मार्केट जो है इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एक परफॉर्मा मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर देती हूँ। मनी मार्केट जो है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, मतलब लेस देन वन ईयर की जितनी भी सिक्योरिटीज होती है वो किस में इशू की जाती है? मनी मार्केट में इशू की जाती है। और जो बाकी की जो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है वो होता है आपके कैपिटल मार्केट। क्या होता है? आपके कैपिटल मार्केट होता है, जो कि कैसा होता है? लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, मतलब मोर देन वन ईयर के लिए जो सिक्योरिटीज वगैरह इशू की जाती है वो किसके अंदर आती है? आपके किसका पार्ट होती है? कैपिटल मार्केट का आपके पार्ट होती है। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, आपके बैक टू बैक दिसंबर 2019 के पेपर में आपके दो क्वेश्चन आपके जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से पूछे गए थे। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मनी मार्केट का डेफिनेशन क्या होता है, मनी मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम लोग जो है आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? फटाफट से बताइए, ठीक है? कोई इसमें ट्रिक वगैरह नहीं थी, कोई मुश्किल बात नहीं थी, सीधा सीधा एक परफॉर्मा मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया था ताकि इसके ऊपर हम लोग अपना क्या बना सके, बेस बिल्ड कर सके। ठीक है, तो एक बेस बनाया था, इसके ऊपर अब हम आगे जो है चर्चा करने वाले। चलिए तो आगे बात करते हैं। और भाई एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दे गाइस, तो अच्छा लगे, मुझे भी सपोर्ट फील हो। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं डेफिनेटली। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट की सबसे पहले जो है मनी मार्केट, उसकी हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं। कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग? मनी मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए ठीक है मैडम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए तो मनी मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है? तो मनी मार्केट की डेफिनेशन, मनी मार्केट बेसिकली रेफर्स टू ए सेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का एक सेक्शन है। ये आपको समझ आएगी, फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा सेक्शन है वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज आर ट्रेडेड। ठीक है, वेयर क्या होता है? जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड किया जाता है जो कि हाईली लिक्विड होते हैं और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली लिक्विड होते हैं और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के होते हैं। उन सभी इंस्ट्रूमेंट को जहाँ पे ट्रेड किया जाता है वो कौन सा मार्केट होता है? वो होता है आपका मनी मार्केट। मनी मार्केट हैज बिकम ए कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट क्या है? एक कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट का फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज ऑफ लेस देन ऑफ वन ईयर और लेस। ठीक है, एक साल या उससे कम की जितनी भी सिक्योरिटीज इशू की जाती है वो सभी किसके अंदर आती है? वो सब आती है हमारे मनी मार्केट के अंदर। किस मार्केट के अंदर आती है? मनी मार्केट के अंतर्गत आती है, मुद्रा बाजार के अंतर्गत ये आती है। और डेफिनेशन से ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे जो है एलिमिनेशन मेथड से भी पूछा गया है या फिर असर्शन और रीजन में भी पूछा जाता है कि मनी मार्केट एक वैसा ऐसा मार्केट होता है जो कि शॉर्ट टर्म जो मैच्योरिटीज की सिक्योरिटीज होती है उसमें ट्रेड करता है, लेस देन वन ईयर में ट्रेड करता है, या फिर जो है हाईली लिक्विड एसेट्स को ट्रेड करता है, या फिर ये एक फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है। तो इस तरीके से असर्शन रीजन या स्टेटमेंट में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती है? फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल्स, जिन्हें शॉर्ट में टी बिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कॉमर्शियल पेपर्स और भी अदर सिक्योरिटीज यहाँ पे जो है ट्रेड की जाती है। वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे समझना है तो डेफिनेटली मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक बार कमेंट कर देना, मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, क्लास से आप जब जाएं तो कोई भी डाउट लेके अपने मन में मत जाना। वैसे मैं जितना सिंपल हो सकता है उतनी सिंपल वे में आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो है आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर करता है। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जैसे कि आपके हो गए ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब किसके हैं? ये सभी जो है आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट हैं। ओके, इट्स यूज्ड बाय मेनी पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग कंपनीज टू रेज फंड बाय सेलिंग कॉमर्शियल पेपर इन द मार्केट। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए कि मनी मार्केट का यूज करता कौन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट का यूज कौन, किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस या कौन करता है मनी मार्केट का यूज। तो देखिए, जितने भी बड़े बड़े जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरमीडियरीज है, इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, ये लोग क्या करते हैं? मनी मार्केट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मनी मार्केट में मेजरली लोग होते कौन है, मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान आपको रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इस टाइप की चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो कौन होते हैं हमारे, ध्यान रखना, बिग फॉर्म कंपनीज जो होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो क्या होती है, मनी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। साथ ही साथ जो आपके है कॉमर्शियल बैंक्स, जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स। इसके अलावा आरबीआई कौन होता है, और आपके आरबीआई, और कौन होता है आपका गवर्नमेंट, ये सब किसके होते हैं, ये सब किसके पार्ट होते हैं, ये सभी आपके मनी मार्केट के पार्ट होते हैं, मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी सिक्योरिटीज वगैरह इशू करते हैं, कॉमर्शियल बिल हो गया, कॉल मनी हो गया, या आपके ट्रेजरी बिल्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, जो भी हो गए, ये कौन इशू करते हैं, ये लोग होते हैं इसके पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। मनी मार्केट जो है, ध्यान रखिएगा, एक लिक्विड मार्केट होता है। कैसा मार्केट है, अभी हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन में, दिस इज हाईली लिक्विड मार्केट। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये हाईली लिक्विड होता है या लेस लिक्विड होता है, कैसा होता है, बस शॉर्ट टर्म का है। ठीक है, आपके पास देखिए, मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कौन करता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है, या ठीक है, तो मेरे को अभी जो है 1 करोड़ रुपए की जरूरत अभी नहीं है, मुझे 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ मुझे क्या है, 1 करोड़ रुपए की नीड है, और अभी ये पैसा मेरे पास स्पेयर में पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल स्पेयर में पड़ा है। अब मैं क्या करूंगी भाई, घर में पड़ा है तो इस पे ना तो कोई ब्याज मिल रहा है, ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहने वाला है आज भी और 1 महीने बाद भी। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी मनी मार्केट में से इन्वेस्ट, मैं क्या कर दूंगी मनी मार्केट, क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है, यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है जो 7 दिन के लिए भी इशू होती है, 14 दिन के लिए भी इशू होती है, 28 दिनों के लिए भी यहाँ पे इशू की जाती है। तो ये सब किसके अंदर आती है, ये सब आपके आती है मनी मार्केट के अंदर। ठीक है, ये सब जो इन्वेस्टमेंट होते हैं मनी मार्केट का होता है। तो मैं 1 करोड़ रुपए लेट से 28 दिन के लिए किसी सिक्योरिटीज में डाल देती हूँ, तो वो मेरे पास स्पेयर भी नहीं रहेगा, और इसके ऊपर मैं क्या कमा लूंगी, इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्ट भी, मतलब मैं इंटरेस्ट भी कमा लूंगी। तो इस तरीके से पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, ठीक है, ये आपको पता लग ही चुका मनी मार्केट के अंदर। नेगोशिएबल बिल्स बिल्कुल ट्रांसफरेबल। चलिए, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार मुझे पूछ लेना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप करके बता दे कि यस मैम यहाँ तक की बात हमें समझ में आ चुकी है, तो फटाफट से एक बार थम्स अप कर दे ताकि हम लोग जो है आगे वाले पार्ट की तरफ मूव ऑन करें। ठीक है, फिर मनी मार्केट के डिस्क्रिप्शन की तरफ हम लोग जो है चलने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट जो है इसके, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, चले आगे, वेरी गुड। चले तो आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन हम लोग देख रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मनी मार्केट इज एन अनरेगुलेटेड एंड इनफॉर्मल मार्केट। ये सभी की पॉइंट्स है, ये जो है ये सभी की पॉइंट्स है, इनके ऊपर मैं सितारे लगा रही हूँ ताकि आप लोग जो है इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वेरी गुड, इसके नोट्स आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल इन शॉर्ट वे में मैंने आप लोगों को जो है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाई है। चलिए, तो ये मनी मार्केट कैसा मार्केट होता है, एक अनरेगुलेटेड और इनफॉर्मल मार्केट होता है एंड नॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं होता। देखिए, अगर बात करें कैपिटल मार्केट की, अगर बात की जाए ना कैपिटल मार्केट की, तो आपको पता है कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, फटाफट से बताइए कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है।
कौन करता है? सेबी करता है। कैपिटल मार्केट पे पूरी निगरानी का काम कौन करता है? सेबी करता है। रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, ये सब कुछ कौन करता है आपके लिए? सेबी करता है। तो उसी तरीके से मनी मार्केट का कोई रेगुलेटर नहीं है, ठीक है? मतलब ये अनरेगुलेटेड एक मार्केट है, इनफॉर्मल मार्केट है। जिसको पैसा चाहिए वो पैसा ले सकता है, जिसको देना है वो दे सकता है। एक अनरेगुलेटेड जो है मार्केट है, नॉट स्ट्रक्चर्ड लाइक द कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट की तरह जो है स्ट्रक्चर नहीं है। Where things are organized in a formal way, ठीक है? मतलब एक पर्टिकुलरली ब्रोशर जो है वो इशू किया जाएगा, फिर जो है सेबी से जो है सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। तो ऐसा कोई गाइडलाइन वगैरह मतलब फॉर्मल वे है ही नहीं मनी मार्केट के अंदर। मनी मार्केट गिव्स लेसर रिटर्न टू द इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन इट बट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये इसकी जो रिटर्न होती है ना वो ध्यान रखना कम होती है। मतलब यहाँ पे रिटर्न कैसी होती है? लो रिटर्न होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक महीने के लिए स्पेयर पड़ा है पैसा, एक महीने बाद मुझे जरूरत है, तो मैं एक महीने के अंदर थोड़ा सा पैसा कमा सकती हूँ अपने जो पैसा मेरे पास स्पेयर पड़ा है उस पे। तो इस तरीके से क्या होता है, लेसर रिटर्न होता है, बट बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब मनी मार्केट का इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, तो फाइनेंसिंग ट्रेड, सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है, फाइनेंसिंग ट्रेड, ठीक है? मनी मार्केट प्लेज क्रूशियल रोल इन फाइनेंसिंग बोथ इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है? मनी मार्केट क्या करता है, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों के अंदर अपना क्या प्ले करता है, रोल, क्रूशियल रोल प्ले करता है। कॉमर्शियल फाइनेंस इज मेड अवेलेबल टू द ट्रेडर्स थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? किसके थ्रू किया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, विच आर डिस्काउंटेड बाय द बिल मार्केट, जो किसके द्वारा डिस्काउंट किए जाते हैं, बिल मार्केट होते हैं, कॉमर्शियल मार्केट्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं जो इन्हें डिस्काउंट करते हैं, तो इन्हें कॉमर्शियल बिल्स के नाम से जाना जाता है। फाइनेंसिंग इंडस्ट्री मनी मार्केट हेल्प्स इन सिक्योरिंग द शॉर्ट टर्म लोन्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थ्रू द सिस्टम ऑफ फाइनेंस बिल, कॉमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। मतलब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म की नीड्स को अगर पूरा करना हो, तो उस केस में क्या किया जाता है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फिर बेनिफिशियल होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करना उनके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलिए, और इसमें आपको पता है कि रिटर्न भी कम देना पड़ता है, तो इसलिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियल रहता है। प्रॉफिटेबल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे है, प्रॉफिटेबल है। मनी मार्केट एनेबल्स द कॉमर्शियल बैंक टू यूज देयर एक्सेस रिजर्व्स इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे ये क्या बोला गया है, ये जो कॉमर्शियल बैंक के संदर्भ में बोला गया है, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है आपको पता है ना, ये सेविंग करती है, मतलब लोगों का पैसा जो है सेव करती है, इकट्ठा करती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई कॉमर्शियल बैंक्स के पास अगर बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो चाहती है कि यार हम थोड़ा सा बेनिफिट कमाएं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कॉमर्शियल बैंक किसी जो बिग फर्म कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देती है, वहां से रिटर्न कमाती है, वहां से क्या करती है, रिटर्न अर्न करती है। तो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक्स अपने जो एक्सेस रिजर्व्स होते हैं उनको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट उन्हें नजर आता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सेल्फ सफिशिएंट, सफिशिएंसी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हो पाते हैं कॉमर्शियल बैंक। डेवलप्ड मनी मार्केट हेल्प्स द कॉमर्शियल बैंक्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है? सेल्फ सफिशिएंट कैसे होगा, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया और वहां से क्या किया, पैसा अर्न किया। अभी कैसे किया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है? हेल्प टू सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो कि हमारा कौन है, आरबीआई, आरबीआई को भी मदद मिलती है। इट स्मूथ रन्स द फंक्शनिंग एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब देखिए क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो क्या करता है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मार्केट में जो पैसे का, जो मनी का फ्लो होता है उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। मनी के फ्लो मतलब पैसे को क्या करता है, जो है मैनेज करने का कोशिश करता है, ठीक है? किसके थ्रू, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ठीक है? चलिए,
आगे बात करते हैं। अब ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में बहुत बार अच्छे और लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास काफी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, कॉल मनी मार्केट, कॉमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखिए ये जो आपको पांच जो नजर आ रहे हैं, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है, जो मैं आपको बता रही थी कि आपके दिसंबर 2019 के अंदर जो पेपर आया था, दिसंबर 2019 का जो पेपर आया था उसमें आपके दो क्वेश्चन जो है टी बिल्स से आए थे। किससे आए थे? टी बिल्स से आए थे। ठीक है, 19 का जो पेपर उसमें दो क्वेश्चन आपके टी बिल्स से आए थे, ट्रेजरी बिल्स से आए थे। ओके, इसके अलावा और भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, रेपो मार्केट होता है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया होता है। तो ये कुछ अदर है। बाकी मेजरली अगर मैं आपके आपसे बात करूं तो मेजरली यहाँ पे पांच ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के, जो कि इंडिया में एक्चुअली रन होते हैं, ये इंडिया में इनका यूज किया जाता है। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपको जो है पांच ही आपके जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चलिए तो वन बाय वन करके इनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉल एंड द नोटिस मनी मार्केट। ठीक है, कॉल एंड द नोटिस मनी मार्केट, इसके बारे में हम लोग जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब ये क्या होता है ये देखते हैं, तो इसकी कहानी शुरू करते हैं गाइस। तो अच्छे से सुनेंगे मेरी बात को, कॉल मनी मार्केट क्या होता है या कॉल ऑप्शन, कॉल मनी मार्केट इसे ऐसे बोला जाता है जनरली। यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि बैंक, एक बैंक होता है, ठीक है, उसके जितनी भी उसके पास डिपॉजिट्स वगैरह आते हैं, जो भी उसका ट्रांजेक्शन होता है, उसका एक सर्टेन परसेंट CRR के रूप में, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में क्या करना पड़ता है, RBI के पास जो है वो रखना पड़ता है। साथ ही साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट SLR, जिसे SLR बोला जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या करना पड़ता है, खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है। होता है नहीं होता, ये क्या होता है, सेल्फ, खुद के पास ही मेंटेन करना होता है। अगर इन दोनों अमाउंट्स में कुछ डेफिशिएंसी आ जाती है, अगर इन दोनों अमाउंट्स में कुछ डेफिशिएंसी अगर आ जाती है, कुछ डेफिशिएंसी भी देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से क्या करता है, मदद लेता है। हम जैसे अब एक दूसरे फ्रेंड्स वगैरह हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उसी तरह क्या करते हैं, बैंक्स भी जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बैंक्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अब उस कंडीशन में आप देखिए, मैंने आपको एक बेस बताया ना कि कॉल मतलब ओवर द फोन, ये कैसे चलता है, फोन पे ही चलता है। जैसे मैंने यहाँ बैठी हूँ मैं, मेरा एक बैंक है, मेरे पास पैसे की कमी है, तो मैं कॉल करूंगी किसी और बैंक को, मेरे नॉन बैंक को या किसी भी बैंक को, ठीक है, जिससे मेरे टर्म्स अच्छे हैं, उसको मैंने कॉल किया और मैंने बोला कि भाई मेरे पास पैसे की जरूरत है, मुझे जो है एक दिन के लिए पैसा दे दो। ध्यान रखिएगा, ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे एक से या फिर मैक्सिमम दो दिन के लिए ही पैसा लिया जाता है, इसलिए जो है इसे कॉल मार्केट, मैंने कॉल करके बोला, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे कॉल मनी मार्केट ऑप्शन या इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में एक डिटेल पढ़ लेते हैं। द मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड इज रेफर टू एज द कॉल मनी मार्केट। एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड का होता है, मैं आपको कह रही हूँ मेजरली जो है ये एक से दो दिन के लिए, यहाँ पे 14 दिन दिया हुआ है, पर मैं आपको बता दूं ये जो पैसा लिया जाता है ये मैक्स टू मैक्स एक या दो दिन के लिए ही लिया जाता है। अंडर कॉल मनी मार्केट फंड्स आर ट्रांजैक्टेड ऑन ओवरनाइट बेसिस। ठीक है, कैसे किए जाते हैं, ओवरनाइट, बस रात भर के लिए, अगले दिन तो आपके खाते में वापस से पैसे आ जाएंगे, मतलब एक रात के लिए या हद मार के दो दिन के लिए जो है पैसा लिया जाता है। द पार्टिसिपेंट्स आर मोस्टली बैंक, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, बैंक ही होते हैं। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरबैंक मनी मार्केट। ध्यान रखना, इसे इंटरबैंक मनी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में अगर ये नाम भी अगर आपको नजर आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अंडर द नोटिस मनी मार्केट फंड्स आर ट्रांजैक्टेड फॉर 2 days and 14 days पीरियड। वैसे 14 दिन तो बहुत ज्यादा आप लोगों को कह दिए हैं, बट बाकी ये 2 दिन के लिए होता है आपका मैक्स टू मैक्स। ओके,
द लेंडर इशूज अ नोटिस टू द बोरोअर 2 to 3 days बिफोर द फंड्स आर टू बी पेड। ठीक है, एक नोटिस इशू किया जाता है बोरोअर के द्वारा, ठीक है, 2 से 3 दिन बिफोर फंड्स आर टू बी पेड। ऑन रिसीप्ट ऑफ द नोटिस बोरोअर हैव टू रिपे द फंड्स। ठीक है, नोटिस जैसे मिलेगा उसको वापस से फंड को रिपे करना पड़ेगा। इन दिस मार्केट द रेट विच फंड्स आर बोरोड एंड लेंड कॉल द कॉल मनी रेट। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज कॉल मनी रेट, और ये भी पूछा जा सकता है इंटरबैंक मनी मार्केट में क्या होता है। तो किसी भी तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, मैम इकोनॉमिक्स वाले भी पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस तो मुझे लगता है सभी को आना चाहिए, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सभी स्टूडेंट ये पढ़ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे कॉल मनी मार्केट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि फटाफट से बताइए। ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था हमारे जो है फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था हमारे मनी मार्केट का, द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। क्या ये समझ आ गया आप लोगों को, एक बार फटाफट से बता दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जिस रेट पे जो है ये ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उसे कॉल मनी रेट बोला जाता है। जिस पे मनी रेंट लैंड की जाती है या बोरो की जाती है उसे कॉल मनी रेट बोला जाता है। और इस इंस्ट्रूमेंट को इंटरबैंक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, चले आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा कॉमर्शियल पेपर्स। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कॉमर्शियल पेपर्स। चलिए तो इसकी थोड़ी सी कहानी समझते हैं कॉमर्शियल पेपर्स की। तो कॉमर्शियल पेपर्स क्या होता है, देखिए आपको पता है, आपको पता है किसी भी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, अगर कोई भी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है मार्केट में, तो क्या वो ऐसे इशू कर सकती है क्या, मतलब उसकी इच्छा हुई और उसने शेयर इशू कर दिए, क्या ऐसे कर सकती है क्या वो? डेफिनेटली नहीं। उसको एक बहुत ही बढ़िया अपना प्रॉस्पेक्टस या ब्रोशर प्रिपेयर करना पड़ता है, फ्लोटिंग जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो अराइज करनी पड़ती है, लिस्टिंग की कॉस्ट होती है वगैरह, बहुत सारी कॉस्ट जो है उसको अराइज करनी पड़ती है। जो है मीडिएटर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, उनको उसे हायर करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, और तब जाके क्या मिलता है, तब जाके क्या होता है शेयर इशू की कर सकती है कंपनी। अब मुझे एक बात बताइए, अब शेयर इशू कोई भी कंपनी क्यों करती है, फंड्स को रेज करने के लिए, फंड्स को मतलब पैसा लेने के लिए तो इशू करती है। अब भाई पैसा फंड इसको तभी मिलेगा जब ये थोड़ा सा पैसा खर्चेगी, थोड़ा सा पैसा खर्चना पड़ेगा। अब भाई कंपनी के पास कुछ भी नहीं है खर्च करने के लिए, तो अब इस कंडीशन में कंपनी क्या कर सकती है, तो इस कंडीशन में कंपनी क्या कर सकती है, कॉमर्शियल पेपर्स को इशू करती है। क्या करती है, ये फंड रेज करने के लिए जो फ्लोटेशन कॉस्ट या फिर इशू एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको बियर करने के लिए कंपनी इशू करती है कॉमर्शियल पेपर्स को। इसको इशू करती है कॉमर्शियल पेपर्स को इशू करती है। और ध्यान रखिएगा, ये कॉमर्शियल पेपर्स जो इशू किए जाते हैं ये अनसिक्योर्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, अनसिक्योर्ड टाइप के होते हैं, कोई गारंटी नहीं है। आपने अगर किसी कंपनी का अगर कॉमर्शियल पेपर खरीदा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। इसलिए क्या होता है, जनरली कंपनीज या कॉमर्शियल पेपर्स लोग उन्हीं कंपनीज के परचेज करना पसंद करते हैं जिनकी क्या होती है, अच्छी रैपो होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 1990, द कॉमर्शियल पेपर्स कैन बी इशूड बाय लिस्टेड कंपनी। ठीक है, वही कंपनी इशू कर सकती है जो लिस्टेड होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वही कंपनीज क्या इशू करती है, कॉमर्शियल पेपर्स को इशू करती है। और इनमें वही लोग पैसा डालते हैं जिन जो वेल्दी होते हैं। देखिए, अगर जो लोग वेल्दी होते हैं उनको पता है कि कौन सी कंपनी सिक्योर है, कौन सी कंपनी बड़ी है और किस कंपनी का मार्केट में कितना अच्छा रेपो है, उसी में क्या किए जाते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स को परचेज किया जाता है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी विच हैव वर्किंग कैपिटल नॉट लेस देन 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ दे कुड बी इशूड इन द मल्टीपल ऑफ 25 लाख। ये ध्यान रखिएगा कॉमर्शियल पेपर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, ये लिमिट, यहाँ पे ये लिमिट जो दी गई है ना, इसका एक रीजन है, ये जो लिमिट दी गई है इसका एक कारण है। इसका क्या कारण है कि मनी मार्केट के अंदर क्या होता है, मनी मार्केट में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया
कि कॉमर्शियल पेपर्स किसके लिए इशू किए जाते हैं, ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, इशू एक्सपेंसेस होते हैं, इसको बियर करने के लिए कॉमर्शियल पेपर्स इशू किए जाते हैं। मतलब पैसे से पैसा बनाने के लिए, क्या अभी पैसा तो जरूरी होता ही है, तो उसके लिए क्या किए जाते हैं, कॉमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, छोटे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया गया। ये जो लिमिट दी गई है ये इसलिए दी गई है ताकि प्रोटेक्ट किए जा सके स्मॉल इन्वेस्टर्स को। मान लीजिए कोई स्मॉल इन्वेस्टर था, उसने कॉमर्शियल पेपर परचेज कर लिया और कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो उसकी तो जितनी भी सेविंग्स थी वो डूब जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या किया, छोटे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों के लिए लिमिट दी गई 25 लाख। मतलब अगर आप कॉमर्शियल पेपर परचेज करना चाहते हैं तो 25 लाख का एक पेपर आपको जो है परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, या और इसके मल्टीपल, मतलब ये मिनिमम है, बाकी इसके ऊपर कितना भी अमाउंट आप जो है परचेज कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या, थम्स अप करिए, बात समझ में आई क्या, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर क्या है, एक अनसिक्योर इंस्ट्रूमेंट है, कोई गारंटी नहीं पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। द मिनिमम साइज ऑफ इशू बीइंग 1 करोड़, जो इशू है वो 1 करोड़ होना चाहिए। एट प्रेजेंट द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स रेंज फ्रॉम 1 day, 7 days to 1 year, ठीक है। कितना होता है, 7 दिन से लेके जो ये है 364 डेज तक के इशू किए जाते हैं आपके कॉमर्शियल पेपर्स को। सीपीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू इट्स फेस वैल्यू एंड रिडीम एट फेस वैल्यू, ठीक है। किस पे इशू किए जाते हैं, डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं फेस वैल्यू से, और ये रिडीम किस पे होते हैं, फेस वैल्यू पे ये आपके रिडीम होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे आपके आते हैं कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल्स जैसे कि आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये क्या होते हैं आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होते हैं। बट इन्हें जो है, इन्हें कॉमर्शियल बिल नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले एक परफॉर्मा मैं आपके लिए क्रिएट करती हूँ, कॉमर्शियल बिल्स क्या होते हैं। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज ये क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज ही होते हैं ड्रॉन बाय अ सेलर ऑन द बायर टू मेक पेमेंट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली द मैच्योरिटी पीरियड इज 3 मंथ। आपको पता है जनरली जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने टाइम के लिए इशू किए जाते हैं, 3 महीने के लिए इन्हें इशू किया जाता है। कॉमर्शियल बिल्स कैन बी रीसोल्ड एट अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द अन यूजेंस पीरियड ऑफ बिल, ठीक है। मतलब 3 महीने के अंदर आप उसको कितनी बार जो है आप जो है नेगोशिएट कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो, रीसोल्ड कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल बिल्स आर शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडिटी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद लो रिस्क। इनका रिस्क क्या होता है, सबसे लो होता है। कॉमर्शियल बिल कैन बी रीसोल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द यूसेज पीरियड ऑफ बिल, ठीक है। ड्यूरिंग द यूसेज पीरियड उस पे आप कितनी बार उसको क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए कॉमर्शियल बिल नाम क्यों दिया गया, देखिए सेलर होता है, सेलर ने बायर के ऊपर क्या लिखा, सेलर ने क्या लिखा, बायर के ऊपर बिल लिख दिया, ठीक है। लेट्स से 3 महीने का बिल लिख दिया, ठीक है भाई लिख दिया, तो इसे क्या बोला जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए सेलर था, उसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा है, बट अब उसको मिडिल पीरियड में ही पैसे की जरूरत हो गई, ठीक है, उसको पैसे की नीड उसके लिए अराइज हो गई। अब इस कंडीशन में वो सेलर क्या करेगा, इस कंडीशन में सेलर क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको लेके किसके पास चला जाएगा, कॉमर्शियल बैंक के पास चला जाएगा और उसको डिस्काउंट करा देगा। और कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास बिल था लेट से 10,000 रुपए का, तो कॉमर्शियल जो बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट काटेगा। लेट से उसने डिस्काउंट काटा 300 रुपए और आपको पे कर दिए कितने, 9,700 रुपए उसने आपको पे कर दिए। तो ये जो है, ये डिस्काउंट अगर आप बिल को करवाते हो तो डेफिनेटली बैंक्स क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट चार्ज करते हैं, ठीक है। आपको जितना का बिल होता है उससे थोड़ा सा कम अमाउंट जो है वो पे किया जाता है। तो कॉमर्शियल बिल जैसे ही बैंक से डिस्काउंट करवाए जाते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है आपका कॉमर्शियल बिल। बात समझ में, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बन जाता है आपका, कॉमर्शियल बिल बन जाता है। फटाफट से यस नो करके बस हम सब करके बताइए, यहां तक की बात आपको समझ आई या नहीं आई। यहां तक का टॉपिक बात आपको समझ आई या नहीं आई फटाफट से बताइएगा, यहां तक क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग ट्रेजरी बिल्स के बारे में, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स के बारे में अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं, जिन्हें टी बिल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं,
वापस से हिस्ट्री की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, बहुत बार गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है। आपको पता है ना, गवर्नमेंट कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह लेके आती है हमारे लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट रन करती रहती है। अब गवर्नमेंट को भी क्या है, पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना। अगर कोई भी काम करना चाहती है अगर गवर्नमेंट, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब पैसा आए कहाँ से? तो जब भी गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है तो वो क्या करती है, आरबीआई को बोलती है। जैसे ही गवर्नमेंट को पैसे की नीड हुई, वो पहुंच जाती है आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई के पास जाती है कि भाई हमें चाहिए पैसा। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके बिहाफ पे, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टी बिल्स को क्या करती है, इश्यू करती है। क्या करती है, टी बिल्स को इश्यू करती है। बात समझ में है ना, ये आरबीआई खुद के लिए इश्यू नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई जो है टी बिल्स को इश्यू करता है। ये बात ध्यान रखना। और यहाँ से इस स्टेटमेंट से बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी कॉमर्शियल बिल्स कैन बी रीसोल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द यूसेज पीरियड ऑफ बिल। ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड मल्टीपल ऑफ रुपीज 25,000। ध्यान रखिएगा, मिनिमम जो अमाउंट है कॉमर्शियल बिल का, इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कॉमर्शियल पेपर्स जो है मिनिमम कितने अमाउंट का इशू हो सकता है, ट्रेजरी बिल्स जो है वो मिनिमम कितने अमाउंट के लिए इशू किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल पेपर्स जो है आपको बताया था 25 लाख जो है लिमिट दी गई है, मिनिमम अमाउंट है, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। 25 लाख 1 रुपए भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकता है, या 30 लाख 40 लाख कुछ भी हो सकता है। बट ट्रेजरी बिल्स ध्यान रखिएगा, या तो 25,000 या फिर इसके मल्टीपल, मतलब 25, 50, 75, 1 लाख, इस तरीके से इश्यू किए जाएंगे। ठीक है, एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में जो है थ्री टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स आर इशू। वर्तमान में तीन टाइप के जो है ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। वैसे और भी होते हैं, जैसे कि आपके हो गया 14 डेज, 14 डेज का हो गया, ठीक है, कितने दिन का हो गया, 14 डेज की टी बिल्स इशू किए जा सकते हैं, या फिर 91 डेज की इशू कर सकते हैं, या फिर 182 डेज की इशू किए जाते हैं। इसके अलावा जो है आपके 364 डेज की इशू किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 7 डेज के टी बिल भी इशू होते हैं, और आपके 28 डेज के टी बिल्स भी जो है इशू किए जाते हैं। एग्जाम में आपसे जो है अभी जो मैंने आपको बताया था दिसंबर 19 में जो क्वेश्चन आया था, वो आया था कि आपके कौन से टी बिल्स जो है वो इशू किए गए थे। तो 2006 में जो है आपके 273 डेज का टी बिल भी इशू किया गया था। मतलब ये एक्सेप्शन है कुछ, वैसे जनरली इशू नहीं किए जाते, बट ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एक मतलब आरबीआई के द्वारा एक दो बार जो है अलग से डेज में इशू भी किए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स। जो इंटरेस्ट इन पे पे किया जाता है वो मार्केट फोर्स पे होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना, ट्रेजरी बिल्स को जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब इनको ऐसा क्यों बोला जाता है, इन्हें क्यों जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि जो टी बिल्स होते हैं ना, टी बिल्स, लेट्स से टी बिल का वैल्यू है 50,000, 50,000 का एक टी बिल इशू किया। अब जो आरबीआई है इसे मार्केट में बेचेगा, मान लीजिए 42,000 का, मार्केट में कितने का देगा, 42,000 का। मतलब आप अभी टी बिल को 42,000 में खरीद लीजिए, और जैसे इसका मेच्योरिटी आएगा आपको इसकी फेस वैल्यू जो है वो पे कर दी जाएगी। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना 2006 में 273 डेज के लिए भी इशू हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने आज की मॉर्निंग में जो क्लास ली थी ना 8:30 बजे फ्री वाली क्लास लिया था अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, वहां पे मैंने ये डिस्कस किया था। ठीक है, बिल्कुल गुरवंदर सिंह जी, कॉम्प्रिहेंशन की क्लास भी करवा देंगी, एक सेशन ले लेंगे, वो करवा दूंगी।
भविष्य पतिदार जी प्लस पे आपको हिंदी में, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेजेस में कंप्लीट कोर्स मिलेगा। क्रैश कोर्सेज भी है, कंप्लीट कोर्सेज भी है, लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, वहां पे आपको जो है स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे मेरा बैंकिंग का यूनिट स्टार्ट हो रहा है 24 से, 24 मार्च से मेरा बैंकिंग वाला यूनिट स्टार्ट हो रहा है, और वो बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगी, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश हो, दोनों मीडियम के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। 24 से स्टार्ट हो रहा है, जो भी इंटरेस्टेड लर्नर्स है मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरा गाइडेंस लेना चाहते हैं, पूजा 10 जो है कोड लगा के आप जुड़ सकते हैं, फॉर 10% इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे। दिस इज माय रेफरल कोड PUJ10। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं, 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो आगे बात करते हैं टीवीज के बारे में। बहुत सारे मेन पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग का आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, चलिए इसकी कहानी समझते हैं, समझिएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इश्यू करता है, मैंने आपको बताया था कि बैंक होते हैं। बैंक क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। लोग क्या कहते हैं, अपना पैसा जितना भी उनका सेविंग्स होता है उनको क्या कराया जाता है, बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है। अब बैंक में अगर कंपनी जो जो भी बैंक है उसके पास सरप्लस अगर इकट्ठा हो जाता है, अगर उसके पास बहुत ज्यादा सरप्लस है, अब भाई बैंक भी चाहता है कि भाई मैं सरप्लस से थोड़ा सा क्या कमा लूं, पैसे कमा लूं, इंटरेस्ट कमा लूं मेरे सरप्लस पे, तो ये बैंक क्या करते हैं, ये बैंक करते हैं किसी जो बिग फर्म कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, उनके अंदर ये पैसा डाल देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं डालते, सीमित समय के लिए या लघु जो है आपके मिनिमम पीरियड के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि पैसे से पैसा बनाया जा सके, कमाया जा सके। तो उस केस में जो कंपनी पैसा लेती है वो देती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वो क्या देती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देती है, और जैसे ही वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देती है और जैसे ही बैंक की जैसे मेच्योरिटी आती है, बैंक क्या करता है उस कंपनी के पास जाता है और वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिखाता है कि भाई देखिए मैंने आपको पैसे दिए थे इतना इतने टाइम के लिए, अब ये आपका टाइम पूरा हो चुका है तो अभी आप मुझे क्या करें, मेरा पैसा वापस दे। तो इस तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है बैंक कंपनीज इशू करती है बैंक बैंक को। ठीक है, किसको इशू करती है, बैंक को इशू करती है। टाइमी जो है देखिए यूट्यूब पे जो है आप लोगों को लिमिटेड कोर्स ही अवेलेबल हो पाएगा, आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में कोर्सेज नहीं चलते, यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में कोर्सेज नहीं चलते हैं, यहाँ पे क्या चलते हैं आपके रैंडम टॉपिक। अभी मैं करवा रही हूँ, वैसे कोशिश कर रही हूँ कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर अप करवा दूँ, बट अगर आपको वन शॉट एग्जाम क्लियर करना है, और ये क्लासेस जो प्लस पे आप लोगों को क्लासेस दी जा रही है वो चाहे आप नेट का एग्जाम दो, सेट का दो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दो, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट का दो, या यूजी पीजी किसी के भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, हर जगह काम आएगा आपका कोर्स। ठीक है, समृद्धि देखिए कोशिश रहेगी, बाकी इन क्लासेस में आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डेफिनेटली मैं कवर अप करवा रही हूँ, बाकी क्लियर होने का गारंटी देखिए आपको पता है कोई नहीं दे सकता। अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दे रहे हो तो वहां पे श्योरिटी होती है कि आपका जो है अटेम्प्ट क्लियर हो सकता है। चलिए तो भाई कम टू आवर मेन पॉइंट, हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। द स्कीम ऑफ द सीरीज, ठीक है, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1989 बाय द आरबीआई। द मेन पर्पस वाज टू अनेबल द कमर्शियल बैंक टू रेज फंड फ्रॉम द मार्केट। सीडीज आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट इशूड एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। ठीक है, डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं फेस वैल्यू पे। सीडीज आर इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऐसा देखिए कमर्शियल बैंक्स जो कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर ये क्या कर सकती है जो अदर इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी जो है बैंक में पैसा डाल के और बैंक्स भी जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इश्यू कर सकती है। ठीक है, बैंक भी कर सकती है और कंपनीज भी कर सकती है, दोनों के मामले में ये पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे एट प्रेजेंट द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सीडीज रेंज फ्रॉम 3 मंथ
टू वन मंथ, ठीक है, किसमें रेंज करता है, 3 महीने से 1 महीने में रेंज करता है। दे आर इशूड इन मल्टीपल ऑफ 25 लाख सब्जेक्ट टू ए मिनिमम साइज ऑफ 1 करोड़, ठीक है। सब्जेक्ट टू कितना मिनिमम होता है, सब्जेक्ट जो मिनिमम जो इसका वो होता है क्या होता है, 1 करोड़ होता है। मतलब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या किया गया, स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया गया, ये लिमिट लगा के क्या किया गया, स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया गया। क्लियर है ना, बात समझ में आई ना। मुद्दा आता है कि भाई इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर्स को बचा लिया। भाई जिसने मेहनत से 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए इकट्ठे करे अपने जीवन में, तो उसको यहाँ पे बचा लिया गया कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो ही आप क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये अब थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी ब्रीफ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ठीक है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पे है। स्कीम ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वर इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई इन 1992, द गोल वॉज टू प्रोवाइड एन एडिशनल शॉर्ट टर्म रेवेन्यू टू द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए था। मनी मार्केट फंड also called as the money market mutual fund is an open ended mutual fund that invests in short term debt securities, ठीक है, वही एक institution है जो आप लोगों के लिए run करता है। repo market है, repo was introduced in December 1992. repo is a repurchase agreement, it means selling a security under an agreement to repurchase it at a predetermined date and rate, okay. repo transaction are affected between banks and financial institutions and among bank themselves, RBI also undertake repos, ठीक है, RBI भी लेता है। आपको बताना repo rate, सुना है ना, repo rate लगाती है RBI, कब लगाती है, जो rate यहाँ पे use की जाती है उसे repo rate के नाम से जाना जाता है। clear है ना। चलिए अब यहाँ पे unorganized money market, money market कैसा होता है, एक unorganized sector है। Unorganized money market mostly finance short-term financial needs of farmers and small businessmen. The main constituents of unorganized money market are indigenous bank, money lenders, non-banking financial corporation, that is NBFCs. ये सब क्या आती है? ये money market के अंदर आपके आती है, ठीक है? Indigenous banks क्या उनसे होते हैं? ये banks होते हैं individual और private firms होती है, जो रिसीव करती है डिपॉजिट और क्या देती है, बदले में लोन देती है जिनको जरूरत होती है उनको, एंड देयर बाय ऑपरेट एज ए बैंक, इसे क्या कहते हैं, एज ए बैंक ही ऑपरेट करती है, ठीक है। मनी लेंडर्स कौन होते हैं, जैसे मनी लेंडर्स देखे होंगे ना आप लोगों ने, जिन्हें वो बोला जाता है सेठ बोला जाता है, या कुछ अलग से नाम होते हैं, जैसे जो पुअर फार्मर्स को, ठीक है, आर्टिसंस को, पेटी ट्रेडर्स या म्यूचुअल मैनुअल जो वर्कर्स होते हैं उनको पैसा उधारी पे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के एग्जांपल आपकी चिट फंड कंपनीज हो गई, निधिस हो गई, फाइनेंस ब्रोकर्स हो गई, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आपके एनबीएफसी के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप सो आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। जाते समय प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूले, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे पेपर 2 की जो फ्री क्लास है वो आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे मिल जाएगी, दैट्स कंप्लीटली फ्री क्लास, ओके। और इसका लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट मेरी क्लास का होगा, और इस लिंक पे जाके नोटिफाई भी जरूर कर लेना। और अगर आप न्यू लर्नर है देन मेरी क्लास को नोटिफाई करने के लिए या फिर अनअकैडमी की किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड अप्लाई कर दीजिएगा पूजा 10, जहाँ पे कल वाली क्लास में, जो कल क्लास होगा ना सुबह 8:30 बजे, ये जो क्लास है आपकी सुबह 8:30 बजे होगी, और इस क्लास में कल हम लोग जो है इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे मॉर्निंग क्लास में, विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज गाइज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे अनअकैडमी की कोई भी फ्री क्लास को आपको अनलॉक करना हो, पूजा 10 कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस कोड इज फॉर यू, ओके। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।
और क्लास कैसा लगे कमेंट जरूर करके बताइएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम के पहले अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक में जाना है कि मैम ये आप मुझे करवा दीजिए, तो मैं वो टॉपिक आप लोगों को करवा दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं सभी के कमेंट्स को ऑब्वियसली देखती हूँ। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी कमेंट आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपके कमेंट्स से वैल्यूएबल कमेंट्स से जरूर मैं उनको गो थ्रू जरूर करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास। कल कंटिन्यू करेंगे, कल 1 PM पे क्लास होगी और उससे पहले सुबह 8:30 बजे होगी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।